खबर भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना इलाके से है, जहां अवार गांव में लुटेरी दुल्हन ससुराल वालों को ही लूट लिया। दरअसल राकेश सिंह की शादी 15 मार्च को यूपी के एटा मैनपुरी के पास एक गांव में हुई थी। सोमवार को दुल्हन के परिजन राकेश के गांव आए, जहां दुल्हन ने अपने परिजनों के साथ मिलकर ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर अचेत कर दिया, जिसके बाद दुल्हन और उसके परिजन घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। सुबह जानकारी मिलने पर पड़ोसियों ने पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती करवाया है। के साथ ससुर आए थे मेरे भाई की शाम को, तो वो आए, उनको चाय पानी वगैरह नाश्ता दिया था, खाना खिला के फिर सारे लोग सो गए थे, गीत वगैरह गा के सो गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी तबीयत बिगड़ती गई सब घर वालों की। उसके बाद मतलब कि जब सुबह मेरे को पता पड़ा तो सास ससुर और मतलब मेरे भाई की पत्नी जो शादी हो गया थी, वो तीनों घर से नहीं मिले मेरे। 15 मार्च को शादी हुई थी, मेरे छोटे भाई लड़के हैं जिनकी शादी हुई, छोटे भाई के लड़के हैं। और उसके बाद कल शाम को उनके सास ससुर आए और करीब 11-12 बजे तक रात को जगते रहे। मैं अपने पड़ोस के नाते आवाज़ सुनता रहा, उसके बाद मेरे को नींद आ गई और सुबह मैंने जब इनको जग के देखा तो सब परिवार में जो भी जिसकी नज़र डालू हुई नशे में थी।